नोएडा के मारवा स्टूडियो में इंडो नेपाल फिल्म एंड कल्चरल फोरम का पोस्टर लॉन्च किया गया, जिसमें नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर हर एक्सीलेंसी सुजाता कोइराला ने शिरकत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके गणेश वंदना के साथ की गई। इस कार्यक्रम में इंडो नेपाल फिल्म एंड कल्चरल फोरम का पोस्टर लॉन्च किया गया, जिससे नेपाल और भारत के रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में आर्ट एंड कल्चर टुगेदर लव पीस एंड यूनिटी के जरिए भारत और नेपाल के रिश्तों को और बड़ा करने की बात की गई। भारत और नेपाल में बहुत समानता है, दोनों देशों की संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है और नेपाल के छात्र भारत में पढ़ने भी आते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए मारवा स्टूडियो में इंडो नेपाल फिल्म एंड कल्चरल फोरम द्वारा दोनों देशों के रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई। बता दें कि मारवा स्टूडियो के संस्थापक एवं ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने इंडो नेपाल फिल्म एंड कल्चरल फोरम के अध्यक्ष हैं। साथ ही उन्होंने संबोधन करते हुए कहा, हम भारत और नेपाल के रिश्तों को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बता दें कि मारवा स्टूडियो में 70 इंटरनेशनल समिट्स का आयोजन हो चुका है। रिस्पेक्टेड हर एक्सीलेंसी सुजाता कोइराला जी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, मेंबर पार्लियामेंट, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेपाल एंड अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ इंडिया, व्हाट अ प्लेजर टू वेलकम यू हियर इन दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ मारवा स्टूडियोज। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी एक्साइटेड एंड एनीवन एंड एवरीवन हु इज एसोसिएटेड विद मारवा स्टूडियोज। Today we are feeling very elated, we are feeling very charged and we are full of energy. Let's give a big hand to Her Excellency. What I'm trying to tell you in these two lines, that to be successful in life you have to have lot of willingness. Very important to have willingness. Ek chahat hona, ek ichha hona bahut zaruri hoti hai, lekin is tamam ichha tab tak कामयाब नहीं होती जब तक इसके पीछे एबिलिटी ना हो। इफ देयर इज नो एबिलिटी टू बैक अप दैट विलिंगनेस, यू विल नेवर बी एबल टू गेट सक्सेस। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है नेपाल और भारत के रिश्ते आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत हो, इसलिए उनकी तरफ से भी इस विजन को सहयोग दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा हर एक्सीलेंस सुजाता कोइराला को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी प्रदान किया गया। नेपाल की पूर्व उप प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर हर एक्सीलेंसी सुजाता कोइराला ने कहा कि नेपाल और भारत के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए इंडो नेपाल फिल्म एंड कल्चरल फोरम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आप लोग मिलके इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं और नेपाल और भारत का संबंध को आगे बढ़ाने के लिए ये जो कल्चरल ये फोरम आप लोगों ने क्रिएट किया है और कई देशों के साथ भी ऐसे ही संबंध बनाने के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। ये कल्चर और आर्ट हम लोगों को नज़दीक बनाता है। कभी कभी हम लोगों को, मैं यूरोप में जब रहती थी, बहुत सारे लोग समझते थे कि एशियन लोग बहुत गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जबकि वो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत फिर भी उन लोगों को वो आइडिया है, क्योंकि उन लोगों को हम लोगों का कल्चर मालूम नहीं होता है। मगर जो यूरोपियन अमेरिकन जो हमारे देश पे आते हैं, जिनको हमारा कल्चर से वो परिचित होते हैं, वो रेस्पेक्ट देते हैं। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के द्वारा दोनों देशों के रिश्तों पर सवाल पूछे गए, जिसका जवाब हर एक्सीलेंसी सुजाता कोइराला ने दिया और स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं भी दी। इस कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा ने हर एक्सीलेंसी सुजाता कोइराला को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। नहीं, ये तो हम लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत हमारा सिविलाइजेशन भी एक ही है, उस समय से हम लोगों का सिविलाइजेशन भी एक है। नेपाल और भारत का सिमिलैरिटी बहुत है हमारे बीच में। अभी मैंने कहा था, जैसे हमारे बॉर्डर ओपन बॉर्डर हैं, हमारे बिजनेस हैं और हमारा कल्चर भी एक है, हम लोग एक दूसरों को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं। तो ये जो हमारा इतना पुराना संबंध है,
इसको हम लोग को मजबूत बना के रखना होगा। ये दोनों देश के ऊपर ये निर्भर करता है, दोनों देश को एक साथ रह के इसको मजबूत बना के आगे बढ़ना है। मैम, स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स भविष्य होते हैं, दोनों देशों के स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें मैं स्टूडेंट्स को भी क्या कहती हूँ कि नेपाल और भारत का रिलेशन को समझना चाहिए उन लोगों को, दोनों देश में उन लोगों को समझाना हमारी भी दायित्व है। और स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो भी अपना संबंध जो है उसको आगे बढ़ाएं, हर नेपाल को समझने की कोशिश करें और नेपाली स्टूडेंट भारत के लोगों को समझने की कोशिश करें, तभी ना ये कल्चर तो वही है ना, एक दूसरा को समझने के लिए, कल्चर को पहचान करने के लिए ये मदद करती है। तो ये इंस्टीट्यूट जो है अभी, तो ये भी तो वही है, मदद करेगी संबंध बनाने के लिए। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी खोलना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स भी ये हमारे कल्चर को समझें, हम भारत के स्टूडेंट्स और लोगों के कल्चर को समझें और आगे बढ़ें, मजबूत कराएं अपना संबंध को। जी, संदीप मारवा सर के लिए क्या कहेंगे, जिन्होंने इतनी अच्छी नहीं, मैं तो बहुत उनसे, मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ संदीप मारवा जी से, और उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, मुझे तो मालूम भी नहीं था इसके बारे में उतना, तो मैं यहाँ आके मुझे तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा काम। और वो नेपाल को भी सहयोग करें कर भी रहे हैं, और उनको मैं नेपाल में इन्वाइट करना चाहती हूँ, और वो नेपाल में आके भी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे पॉलिटिशियंस को भी ये जानकारी दें कि ये कितना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है ये जो अभी चला रहे हैं ना, ये कल्चरल प्रोग्राम जो चला रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है, ये उनको भी जानकारी दें ताकि हम भी नेपाल में ऐसा स्टूडियो वगैरह खोल पाएँ। सर, आज का जो इवेंट किया गया, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी यहाँ पहुँचे, क्या कुछ कहेंगे, क्या रहा इवेंट में, निष्कर्ष क्या है? ये मेरा सौभाग्य है कि इंडो नेपाल फिल्म एंड कल्चर फोरम का मैं अध्यक्ष हूँ, और मुझे ये अध्यक्ष नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने खुद नियुक्त किया था। पिछले 6 साल से हम लोग बेहतरीन तरीके से इस दिशा में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे इवेंट्स जो हैं हम लोगों ने किए हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे दो देशों के जो संबंध हैं बिल्कुल पीपल टू पीपल जिसे कहा जाता है, संबंध अच्छे हों और बढ़ें। और इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने सबसे पहले किया था पहला भारत में पहला नेपाली फिल्म फेस्टिवल। मैं हैरान हूँ कि इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो बहुत मजबूत रहा, उसकी वजह से ही नेपाली बहुत बड़े स्टार्स जो हैं वो यहाँ दिल्ली तक पहुँचे, और उसकी आवाज़ बहुत ऊँची उठी थी। फिर उसके बाद तांता लगा रहा, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, हमारे जो 17 अंतर्राष्ट्रीय समिट अब तक हो चुके हैं उनके अंदर कोई ऐसी समिट नहीं है जहां नेपाल से हमें पार्टिसिपेशन ना मिली हो, कोई ना कोई डेलीगेट सरकारी गैर सरकारी हमारे इन समिट्स के अंदर आता रहा, और नेपाल ने पूरी अपनी भागीदारी जो है खूबसूरती तरीके से निभाई है। हमारे जो 4 बहुत बड़े फेस्टिवल हैं, ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल और ग्लोबल फैशन वीक, उनमें भी नेपाल की पूरी पार्टिसिपेशन रहती है। बल्कि जो अभी पिछले महीने फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें भी नेपाल ने बड़े खूबसूरत ढंग से पार्टिसिपेट किया। परिचय दीजिएगा सबसे पहले। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं जागृति मेहता संघवी फैशन फैब्रिक डिज़ाइनर और कस्टम गारमेंट एंटरप्रेन्योर हूँ। काफ़ी सालों से मारवा स्टूडियो से और संदीप जी से जुड़ी हुई हूँ, एंड थैंक यू संदीप जी फॉर योर इनविटेशन। इट वाज वंडरफुल प्रोग्राम। आज नेपाल और भारत के रिलेशन के बारे में हमें जानने को मिला, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हम दो कंट्रीज़ की, और हम ये चाहेंगे कि AAFT के स्टूडेंट के माध्यम से हम एक ग्रुप बनाए और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बनाए, वहाँ पे हम एक कॉन्फ्रेंस करें कि नेपाल की जो कार्यशैली है वो हम सीखें, और हमारे पास जो है इंडिया के पास वो वहाँ के जो रूरल एरिया के जो पहाड़ी लोगों को है उनको सिखाए। इस तरह से वसुधैव कुटुंबम में हम अपना सहयोग देना चाहेंगे। आज जो कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम के बारे में बताइए, सबसे पहले अपना परिचय। मैं डॉक्टर श्रेया बानो, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस में हूँ। आज कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले तो संदीप मारवा सर को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी, और मैम सुजात कोइराला मैम, उन्होंने जो भी एग्रीमेंट बताया इंडो और नेपाल के बीच में कल्चरल फेस्टिवल्स को लेकर के लिए, उसके लिए मैं बहुत दिल से
बहुत दिल से खुशी महसूस करती हूँ। और मावा जी जो ये फील्ड में कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनके हौसला अफजाई के लिए पूरे कदम में हम सब उनका योगदान देंगे और साथ रहेंगे, और आगे के लिए पूरी शुभकामनाएं और शुभाशीष मेरी सबकी तरफ से। आचार्य सत्येंद्र नारायण अध्यक्ष हूँ विश्वधर्म महासंघ करके एक संस्था है, और योग पे हम लोग साथ साथ मारवा साहब इसके संरक्षक हैं, और ग्लोबल योग अलायंस और योग कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल योग फेडरेशन, ये संस्थाएं हैं जिसमें हम लोग लव पीस और यूनिटी साथ में लेके, और इन सभी संस्थाओं से आदरणीय श्री संदीप मारवा साहब जुड़े हुए हैं, और हम लोग वर्षों से साथ साथ काम कर रहे हैं दुनिया के देशों में। आज जब नेपाल की बात आई तो हमें सूचना मिली और हम इसमें भाग लेने के लिए